स्टार्ट कर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ आराधना गुप्ता एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ डीडीआरसी। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग टू यू इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यूडीआरडी होता क्या है। यूडीआरडी दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया सरकार द्वारा एक ऐसा आईडी है, या कहें उनकी दिव्यांगता से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां मौजूद होती हैं, साथ ही उनके आधार कार्ड तथा अन्य आईडी भी उनमें लिंक होती है। इससे ये फायदा होता है कि उन्हें तरह तरह के डॉक्यूमेंट संलग्न करने की जरूरत नहीं होती है। एक यूडीआरडी है जिसमें उनके सारे दस्तावेज अटैच्ड होते हैं ही सफिशियंट है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिव्यांगता होती क्या है। दिव्यांगता एक तरह को कहें कि पहले बोला जाता है कि एक अभिशाप है, पर अब ये अभिशाप नहीं हो के इसे एक दिव्यांगता कहा गया है, क्योंकि अगर एक अंग काम नहीं कर रहा है तो उसका 100 गुना दूसरा अंग उसका जगह ले लेता है, जो एक पॉजिटिव वे पे उस दिव्यांग व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा मददगार साबित होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कोई ब्लाइंड व्यक्ति हो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अगर देखें तो बहुत सारे ब्लाइंड या बहुत सारे विकलांग भी एक नॉर्मल व्यक्ति से भी आगे बहुत अच्छे पद पे भी मौजूद हैं। और ये दिव्यांगता शारीरिक या मानसिक रूप से भी हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में असमर्थता महसूस होती है या असमर्थता का परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे व्यक्ति को विश्व में कहीं भी सामंजस्य स्थापित करने में भी कई तरह की कठिनाइयां का सामना भी करना पड़ता है। यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी, किसी प्रकार की दिव्यांगता हो सकती है। या तो ये कंजेनाइटल, मेरा मतलब या तो ये जन्म से हो सकती है या लाइफ में कभी भी किसी भी कारण से भी उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूडीआरडी में 21 तरह की विकलांगता को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। सबसे पहले एसिड अटैक विक्टिम, ये अभी इसमें ऐड किया गया है विकलांग दिव्यांगता में। एसिड अटैक विक्टिम ये बहुत सारे केसेस अब प्रेजेंट लाइफ में आपको देखने को मिला भी होगा, और इसकी एक छपाक मूवी भी आई है। और इसमें क्या होता है कि तेजाब हमले के शिकार पीड़ितों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इनको पहले दिव्यांगता में नहीं लाया गया था, लेकिन अब इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनको दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर हमला ऐसे व्यक्तियों पे किया जाता है, या तो उनको चेहरे को कुरूप बनाना होता है, या किसी ज्वेलरी वश, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे विक्टिम जो होते हैं बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते रहते हैं, जैसे कि समाज में उनको हीन भावना से देखा जाता है। और इसके बाद और उनकी कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाती है। और कभी कभी एसिड अटैक सिर्फ स्किन पर भी पर बस इफेक्ट नहीं डालता है, कभी कभी बोन्स भी इसमें गल भी जाती हैं। ये कभी कभी व्यक्ति को पूरी तरह से अंधा भी कर सकता है। दूसरा डिसऑर्डर इसमें शामिल किया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये ज्यादातर बच्चों में दिखता है। इसमें बच्चों को जो डेवलपमेंट होता है एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, उसमें धीरे धीरे होता है। और ये कि ये ब्रेन में नर्वस सिस्टम जो कि पूरे शरीर के संचालन में मदद करता है, उसमें कोई ना कोई इफेक्ट के कारण उत्पन्न हो जाता है, जिसमें व्यक्ति के कॉग्निशन, इमोशनल, सोशल आदि प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि डिफिकल्टी विथ कम्युनिकेशन। ऐसे ऑटिस्ट बच्चे जो होते हैं वो आपस में सही से बातचीत, जैसे एक नॉर्मल बच्चा सोसाइटी में रह के बातचीत करता है,
अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है इनमें नहीं पाया जाता। और दूसरा जुनूनी ऑब्सेसिव, इसमें ये होता है एक चीज को अगर वो लगे रहते हैं तो उसी में ही लगे रह जाते हैं, उन्हें आप जितना टोकोगे आओ ये काम करो वो, लेकिन नहीं वो अपने में ही लगे रहते हैं, उनकी अपनी ही दुनिया होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स, यू कहें कि किसी चीज को बार बार करते रहना, राउंड राउंड घूमते रहना एक ही जगह, एक तरह से इसमें जिद्दी एरोगेंट वाली सिचुएशन होती है। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस में ये होता है कि पूरी तरह से अंधता, इसमें व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये किसी भी कारण हो सकती है, तो यह वंशानुगत होती है या तो किसी बीमारी कारण, जैसे डायबिटिक पेशेंट को भी हो सकती है, या किसी कारण के दुर्घटना हो जाए, या आइस में कॉर्निया या रेटिना में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए, ग्लूकोमा आदि के कारण भी ये ब्लाइंडनेस उत्पन्न हो जाती है। चौथा है सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी भी एक मानसिक डिफेक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन जो बॉडी का संतुलन करता है उसमें कोई ना कोई क्षति हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी को कंट्रोल ब्रेन नहीं कर पाती, और जिसमें हमारे हाथ में प्रॉपर काम नहीं कर पाते। पांचवा है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाने के कारण शारीरिक अपंगता फिजिकली रूप से दिखाई देने लगती है, जैसे कि लकवा, पैरापरेसिस, हेमीपरेसिस इत्यादि। छठवां ड्वार्फिज्म, इसे अलग भाषा में क्या, तो इसे क्रेटिनिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो एडल्ट की हाइट 4 फीट 10 इंच या उससे भी कम पाई जाती है, ये किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम के कारण या जेनेटिक या हार्मोनल कंडीशन के कारण भी हो जाती है। ये खास करके ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होता है, ये ज्यादातर जेनेटिक ही होता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है कि डेफनेस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ये किसी भी प्रकार से हो सकती है, ये तो कंजेनाइटल भी हो सकती है या एजिंग, जैसे कि वृद्धावस्था आते आते भी हो जाती है, या किसी प्रकार की इंजरी, आई मीन कभी एक्सीडेंट या किसी प्रकार की, कभी कभी ज्यादा आवाज के कारण भी ये डीफनेस उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में, या किसी प्रकार की मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी हो जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त स्राव जब होता है वो बंद नहीं होता, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि इसे प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन ही ब्लड क्लॉटिंग को प्रॉपर करता है, बट अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण सिम्टम्स कई तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग शरीर में कहीं आ जाती है, अभी मैंने बताया रक्तस्राव ब्लड का ज़्यादा होने लगता है, या तो यूरिन या स्टूल या टॉयलेट में रक्त आना स्टार्ट हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंजेनाइटल ही होता है या फिर उम्र के 15 वर्ष के अंदर अंदर कभी भी किसी भी एज में उत्पन्न हो जाता है। इसमें इनकी आईक्यू 69% से कम होती है। इसमें जो एक नॉर्मल बच्चे की आईक्यू होती है उस बच्चे एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की आईक्यू इनकी कम होती है। इसमें कहे जाए तो मेंटली जो इनका ग्रोथ होता है एक नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम होता है, और ये अपने वातावरण में अनुकूलित ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनमें नॉर्मल बच्चों की तरह सोचने समझने की क्षमता कम होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कई क्राइटेरिया होती है। 4 क्राइटेरिया होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफंड, जिसमें से माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में हम उन्हें इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद का ख्याल रख सके या कोई नौकरी भी कर सके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो कि मेंटल रिटार्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल के बच्चे भी कई अच्छी अच्छी जगह में विभाग में स्टैब्लिश हैं, अच्छे पद पर। अब ये लेप्रोसी कट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, ये ज्यादातर स्किन में इफेक्ट डालते हैं, किसी ये इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है, और ये स्किन, आंख, नाक या नर्व्स में इसका ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। और ये दिखते कैसे हैं, हल्के रंग के या लाल रंग के धब्बे जैसे होते हैं, और इसमें जो धब्बे होते हैं उसमें सेंसेशन नहीं होता है।
लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से तात्पर्य होता है कि शरीर में किसी भी मूवमेंट को करने में कोई अवरोधता उत्पन्न हो जाए, और ये ज़्यादातर फिजिकल डिसेबिलिटी ही आती है इसके अंतर्गत, जैसे कि कहीं भी हाथ पैर कट जाना जिसे एम्पुटेशन बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। लो विजन, इसमें अल्प दृष्टि से कहा जाता है, इसमें कम दिखाई देता है, ये पूर्णतः अंधता नहीं होती है। और इस डिजीज के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति, इसमें दृष्टि क्षमता होती है 20/70, मतलब इस या इससे पुअर भी हो सकती है। और इसको अगर रेगुलर रूप से आई ग्लासेस इसको लगाया जाए तो इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस अभी मैंने आपको बताया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और अब ये है मेंटल इलनेस। पहले ये दोनों को साथ में रखा जाता था, बट इसमें बहुत से डिफरेंसेस देखने के कारण अब इनको अलग अलग डिसऑर्डर में रख दिया गया है। वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो थी हमारे आईक्यू से मेंटल उससे रिलेटेड थी, जो कि ज्यादातर कंजेनाइटल होती थी, जो कि बच्चों में ही होती थी। जबकि मेंटल इलनेस जो है लाइफ में कभी भी किसी वक्त किसी भी एज में किसी को भी हो जाती है। ये खास करके न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन्स में होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पूरी बॉडी में कलेक्ट कराता है, उसमें इम्बैलेंस हो जाने के कारण ये हो जाता है, ये मेंटल इलनेस उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, फोबिया, ये सब मेंटल इलनेस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें यूडीआईडी हम इसका तभी बना सकते हैं जब इनका कई सालों तक इनका चला हो ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट का इफेक्ट इनकी डिसऑर्डर में नहीं आया हो, तब इस सिचुएशन में हम इनको मेंटल इलनेस की इसमें क्राइटेरिया में ला देते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसके नाम से इफेक्ट है कि एक से ज्यादा, इसमें डिसऑर्डर जो होते हैं एक कई होते हैं, जैसे कि और इसमें खास करके होना चाहिए दो डिसऑर्डर के कॉम्बिनेशन, मोटर और सेंसरी। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ सेरिब्रल पॉल्सी हो जाए, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ हेयरिंग लॉस हो जाए, ऐसी एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन वाली डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत लाई जाती है, जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत लाते हैं। अब मल्टीपल स्क्लियोरोसिस है, और यह है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से संबंधित होती है। इसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, हमारे नर्व्स के कवर करने वाली जो माइलिन सीथ होती है उसमें अटैक करती है, जिससे वो डैमेज हो जाती है, जिससे हमारे नर्व्स ट्रांसमिशन जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी में और बॉडी की इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन चले जाते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर देती है, जिस कारण से मल्टीपल स्क्लियोरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मसल्स बहुत ढीली हो जाती है, ये खास करके अबनॉर्मल जीन्स जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करती है, जिससे हमारे स्वस्थ मसल्स बनती हैं, जिसमें हस्तक्षेप हो जाने के कारण या उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाने के कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उत्पन्न हो जाती है। एक तरह से कहें मसल्स में कोई जान नहीं रह जाती है, या डिजीज एक समय एक प्रकार का कई डिजीज का समूह होता है जो हमारे शरीर में कमजोरी या मांसपेशियों की कमी को बढ़ाता है। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज ज्यादातर वृद्धों में होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि वृद्ध जो झुककर चलते हैं या उनके शरीर में कंपन पाया जाता है, और ये सब पार्किंसन डिजीजेस के कारण होते हैं। और या तो वो बोलने में असमर्थता, उनके आवाज में भी कंपन पाई जाती है, उनका शरीर उनके हाथ कंट्रोल में नहीं होते, अगर उनके हाथ में कोई ग्लास पकड़ा दे फिर भी ग्लास कंट्रोल कर दोनों हाथ से ही पकड़ लेते हैं, ग्लास उनके कंट्रोल में हैंड में नहीं आ रही होती है। सिकल सेल डिजीज के नाम से इफेक्ट समझ में आ रहा है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं उनमें से कुछ ब्लड सेल्स सिकल मतलब हसियाकार हो जाती हैं, और जिसके कारण ब्लड में कमी हो जाती है, और ये ज्यादा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वही जो हसिया का हीमोग्लोबिन हो जाती है रेड ब्लड सेल्स उनको बोला जा रहा है, उन्हीं के कारण सिकल सेल डिजीज उत्पन्न हो जाती है। फिर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी बच्चों में पाई जाती है, इसमें पढ़ने लिखने में अक्षमता होती है, और इसमें बच्चे दो कई तरह की, जैसे कि डिसलेक्सिया जिसमें बच्चे को पढ़ने में असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हमने लिखा है उसको एस या उसको उल्टा वो पढ़ेगा, और ऐसे ही अग्रेफिया है और लिखेगा उसको उल्टा, बी है तो उसको उल्टे साइड से भी लिख देगा।
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, जैसे हकलाना, अफेसिया। इसमें ऐसे ऐसे बच्चे जो इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, उनसे उन्हें कई तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो जो उनकी फीलिंग होती है, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और अफेसिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, वो भी इसमें लाया जाता है। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है एक्सप्लेन करने के लिए अपनी भावनाओं को, बट हम उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया भी उत्पन्न हो जाता है। यह जेनेटिक होती है। यह खासकर बीटा ग्लोबिन जीन के कारण उत्पन्न होती है, जो कि बीटा ग्लोबिन चैन के प्रोडक्शन या नियंत्रण का कार्य करता है। उसमें किसी प्रकार की इम्बेलेंस या किसी प्रकार की कमी हो जाने के कारण ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद। मतलब ब्लाइंड मैन को बिल्कुल नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो विजन को थोड़ा दिखता है।